कहते हैं सृष्टि बनाने वाले भगवान ने भी माँ के दर्जे को अपने से ऊपर रखा है। इस बात को कतई झुठलाया नहीं जा सकता कि दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार आपकी माँ करती है। माँ के प्यार के आगे सभी रिश्ते फीके से लगने लगते हैं। ये लव और सेक्रीफाइस का एक ऐसा इमोशन है जो केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। एनिमल किंगडम के सबसे क्रूर जीवों में भी मातृत्व की भावना पाई जाती है। ये वही प्यार है जो एक चूहे को भी वक्त आने पर शेर बनने पर मजबूर कर देता है। औलाद का प्यार छोटे से छोटे जीवों को भी बड़े शिकारियों से लड़ने की हिम्मत दे देता है। विचित्र फॉर यू की आज की वीडियो आपको मदर इमोशन से भरपूर एनिमल किंगडम के कुछ रियल इंसिडेंट से रूबरू कराएगी। इन केसेस को देखने के बाद आप भी अपनी माँ को प्यार जाहिर करने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। डक फैमिली। ये एक छोटी सी डक फैमिली है जिसमें मदर के अलावा उसके छोटे बेबीज हैं, जो अपने लिए खुद का खाना नहीं तलाश सकते। ये मदर डक अपने बच्चों को साथ ही रखती है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा देती है। हालांकि इस क्लिप में कुछ भी खतरे जैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही वीडियो बनाने वाला आदमी परिवार के करीब आने की कोशिश करता है, ये बतख उस पर हमला कर देती है। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अपने बच्चों को अनजान लोगों के संपर्क में आने नहीं देगी, इसलिए उसका ये गुस्सा स्वाभाविक है। वो कहते हैं ना, जानवरों को स्पेस देना भी जरूरी है। उनके स्पेस में घुसने पर ऐसा रिएक्शन मिलना शॉकिंग नहीं है। चलिए ऐसे ही एक और क्लिप को देखिए, जहां गर्ल बर्ड पानी में बतख के बच्चों के बेहद करीब आ जाती है। हम नहीं जानते कि इस चिड़िया की मंशा क्या है, लेकिन मदर बतख फैमिली सेफ्टी को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए खतरा महसूस होते ही माँ दूसरे जीव पर बरस पड़ती है और दोनों के बीच घमासान शुरू होते देर नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि हमला करते हुए डक की स्पीड बिजली की रफ्तार से भी तेज होती है। ये माँ गर्ल बर्ड को गर्दन से पकड़ती है और अपने पंखों के सहारे उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है। हालांकि दूसरी जीव भी आसानी से हार नहीं मानने वाली, इसलिए काफी समय तक ये लड़ाई जारी रहती है और अंत में बतख गर्ल को बच्चे से दूर करके वापस अपने परिवार के पास लौट आती है। दोस्तों, कौवे भी बतख के बच्चों को अपना शिकार बना सकते हैं और मदर डक इस बात को अच्छे से जानती है, तभी तो ये जीव अक्सर क्रो से कुछ फीट की दूरी बनाए ही चलती है। इस क्लिप में जैसे ही कौवा बतख के परिवार के करीब आने की कोशिश करता है, ये माँ भरपूर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और बच्चों के आगे खड़ी हो जाती है। हालांकि कौवा भी इतनी आसानी से पीछे हटना नहीं चाहता। एक बारी तो ऐसा लगता है कि ये जीव बच्चों को चोरी करने के लिए अपनी योजना में सफल होने ही वाला होता है, लेकिन माँ के नाक के नीचे से बच्चों को चुरा कर ले जाना इतना आसान नहीं है। ये माँ कौवे पर हमला कर देती है और उसे चुपचाप दूर होना पड़ता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां बहादुर मदर डक अपने डकलिंग्स के साथ किनारे पर तैर रही है। फैमिली के साथ तैरते हुए अचानक कोई दूसरा जीव मदर डक को किनारे मिल जाता है। ये जीव वाटर रैट की तरह लग रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मदर डक वाटर रैट को दूर भगा देती है। एलिफेंट्स मदर। एलिफेंट्स मदर को दुनिया की सबसे प्रोटेक्टिव माँ का दर्जा दिया जा सकता है। ये जीव बिना किसी बात के लोगों पर हमला नहीं करते, लेकिन बच्चों को तकलीफ में देखकर पूरी दुनिया को अपने पैरों से कुचलने में देर नहीं करते। बेबी एलिफेंट्स भी इस बात को जानते हैं कि जब तक वो माँ के साथ हैं, तब तक उन पर कोई आंच नहीं आ सकती। तभी तो इस वीडियो में जैसे ही जवान लड़के चिल्लाते हुए बेबी के पास आने की कोशिश करते हैं, तो वो डर कर माँ के पैरों के नीचे आ खड़ी होती है। इसका ये व्यवहार स्वाभाविक है। मुसीबत आने पर बेबी सबसे पहले माँ के आंचल में ही जाकर छिपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। डियर माँ हिरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमलावर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बच्चे के लिए माँ अपनी जान पर खेल जाती है। यह वीडियो हिरन के एक झुंड का है जो नदी पार करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन माँ जानती है कि पानी में मगरमच्छ की मौजूदगी हो सकती है, इसलिए दूसरे छोर से ही नदी को पार करने में भलाई है। इस किनारे से नदी के सुरक्षित लगने पर बच्चा नदी पार करने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन यह नहीं जानता कि पानी के नीचे एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। ऐसे में मगरमच्छ हिरण के बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए काफी तेजी से उसकी ओर आता है। बच्चे को खतरे में देख माँ भी नदी में कूद पड़ती है। ये हिरणी बच्चे और मगरमच्छ के बीच खड़ी हो जाती है ताकि बच्चे पर कोई आंच ना आए और मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना ले। मगरमच्छ बच्चे के बजाय माँ को अपना शिकार बना लेता है। ये एक माँ की अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। मरते मरते भी ये मजबूर माँ अपने औलाद की सुरक्षा की चिंता कर रही है। इसी तरह की क्लिप्स हमारे दिल में माँ के लिए इज्जत और बढ़ा देती है। यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गूज।
खरगोश आमतौर पर इतने निडर होते हैं कि जिराफ पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं कतराते। इस क्लिप में बच्चों का पिता जिराफ से भिड़ने का बीड़ा उठाता है, जबकि माँ बच्चों को जिराफ से दूर ले जाने का काम करती है ताकि इन बच्चों को कोई चोट ना आए। इन दोनों पेरेंट्स के मिलकर काम करने से एक बात तो समझ में आती है कि परिवार में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अब जरा अपनी नजर इस छोटे से परिंदे की ओर दौड़ाइए, जो अपना पंख फैलाए ट्रैक्टर के सामने आ खड़ा होता है और उसे रोकने के लिए मजबूर कर देता है। ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान के लिए ये एक्ट काफी अजीब है कि आखिर ये चिड़िया ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि दरअसल ये नन्ही बहादुर चिड़िया अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही है जो उसने खेतों में दिए हैं। वो जानती है कि ट्रैक्टर के बोझ तले इसकी आने वाली संतान हमेशा के लिए इससे दूर हो सकती है, इसलिए अपने अंडों को बचाना जरूरी है। मानना पड़ेगा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस अंदाज में ये चिड़िया बहादुरी से काम लेती है वो काफी प्रशंसनीय है। इस तरह का प्यार तो आजकल इंसानों में भी देखने को नहीं मिलता। हेंस बच्चों पर खतरा मंडराने पर वो मुर्गियां भी चैन से नहीं बैठती जिनके अंडे इंसान चाव से डिनर और ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। अब जरा इस मुर्गी को ही देखिए जो अपने बच्चों के साथ बैठी है। ये चिड़िया जानती है कि बाज जैसे खतरनाक शिकारी के साथ जंग में जीतना इसके बस की बात नहीं है, लेकिन बच्चों पर खतरा आने पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी फुर्ती से बाज को खदेड़ने का काम करती है। इसकी रफ्तार और जवाबी कार्रवाई से बाज भी समझ जाता है कि एक गुस्साई माँ से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, ऐसे में इस जगह से भाग लेने में ही भलाई है। बफेलोस भैंस को अक्सर लोग मोटी बुद्धि का जरूर मानते हैं, लेकिन इनमें बच्चों को लेकर प्रेम की भावना ज्यादा होती है। इस वीडियो को देखिए जहाँ घास के मैदानों में एक आदमी फीमेल बफेलो के बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। बच्चे को गोद में लेते ही भैंस का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने सींग की बदौलत आदमी पर हमला करने लगती है। हालांकि भैंस का बछड़ा आदमी के हाथ से छूट जाता है, लेकिन ये भैंस हमला करना बंद नहीं करती। वो आदमी के पीछे पड़ जाती है और उसे मैदान से बाहर ही खदेड़ कर दम लेती है। इस वीडियो में हुई ये घटना काफी आम है। डोमेस्टिक पेट होने के बाद भी ये जीव बच्चों को लेकर हर किसी पर भरोसा नहीं जताते हैं। अब जरा ऐसी ही एक और वीडियो देखें जहां आपको भैंसों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस वीडियो में भैंसों का झुंड घास के मैदानों को चरने का काम कर रहा है, लेकिन वहां शेर का झुंड आ धमकता है। जैसे ही शेरों का झुंड भैंस के झुंड पर हमला करते हैं, सभी भैंसे जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है। इस अफरा तफरी में शेर के हाथ भैंस का एक बछड़ा लग जाता है। जैसे ही माँ अपने बच्चे की जान को खतरे में देखती है, वो विकराल रूप धारण कर शेर को चुनौती देने के मूड में आ जाती है। हालांकि भैंस का शेर के सामने टिकने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जितनी बहादुरी से ये खुद के बच्चे की रक्षा करने के लिए दुश्मनी मोल लेती है, उस जज्बे को सलाम है। हालांकि दोनों जीवों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन आखिर में अपने बच्चों को बचाने के लिए इस जीव को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। सभी शेर मिलकर भैंस को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे में मानना पड़ेगा कि माँ का प्यार बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। चीता अटैकिंग वॉच डॉग। चलिए आखिर में सबसे बड़े और खतरनाक जानवर की बात करते हैं जो किसी पर भी हमला करने से पहले दोबारा नहीं सोचता। वॉच डॉग के जोड़े को देखकर चीता का उसे एक आसान शिकार मानना काफी आम है। एक चीते के लिए वॉच डॉग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चों पर हमला होना एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में चीता वॉच डॉग के बच्चों को शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन पास में ही खड़ी इस माँ का इस हरकत पर रिएक्शन काफी फास्ट होता है। वो केवल एक वार से चीता को हवा में उछाल देती है। इस वार के बाद जरूर चीता वॉच डॉग को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सही मौके पर शेर की एंट्री होती है जो जाकर चीते से भिड़ जाता है। और उसे दूर भगा देता है। ये ऐसा क्यों करता है ये तो वही जाने। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी एनिमल फाइट्स जहां एनिमल किंगडम की मदर्स अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की बलि देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। इस तरह के प्यार और समर्पण की भावना दुनिया की ज्यादातर माँ के अंदर होती है, इसलिए मदर्स लव को दुनिया के सबसे प्यारे बॉन्ड के रूप में देखा जाता है। दोस्तों आप में से कौन कौन अपनी मदर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।